पता आप लोगों को, न्यूज में पढ़े बहुत, हम जब बने थे हेल्थ मिनिस्टर तो हम लोग नियुक्ति पत्र बांटे थे, तो जब नियुक्ति पत्र बांटे तो जो नई महिलाएं की जो एनएम बनी थी तो उन लोगों का था कि सर हमको आप कहाँ भेज दिए, घर ससुराल बिना यहाँ है, भेज वहाँ दिए, 11-12 हज़ार रुपया मिल रहा है, कैसे हम लोग गुजारा करेंगे। तभी हम लोग प्रत्येक जी हम लोग बैठक के निर्णय लिए और मुख्यमंत्री जी की सहमति भी हुई कि सभी लोगों को स्टेट कैडर हो जाए तो होम डिस्ट्रिक्ट में ही आप लोगों की ड्यूटी लग जाए वो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो भागलपुर की रहने वाली जो है उनको औरंगाबाद मिला हुआ, तो आप कम से कम उस जिले का जो आप लोग रहेगा कम से कम उस जिले में आप लोगों को काम मिल जाएगा तो आप लोगों की अच्छा होगा। ये काम हम लोग कल कैबिनेट में लाए हैं और पास हो गया, आप जल्दी उसी हिसाब से पहले क्या था, जिला काडर था, प्रमोशन भी नहीं होता था, अब पूरे राज्य का एंट्रेंस एग्जाम से नंबर प्राइवेट के ज्यादा आ जाते थे और सरकारी का, डिप्टी सीएम साहब का कहना था कि नहीं सबको मौका मिले रिटर्न एग्जाम होना चाहिए, अब रिटर्न हो गया, पूरा मेरिट लिस्ट बनेगा तो आप लोगों की नियुक्ति होगी एज स्टेज वन, उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेज पर प्रमोट करेंगे 30% और टॉप पर जाएंगे, ये अब नए सिस्टम में भी ये भी हो बहुत अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ प्रमोशन वगैरह होता था कुछ नहीं होता, आप अब से हम गृह जिला में रहोगी, मेरिट वाले लोग आएंगे और आप लोग इतना मेहनत किए मिशन 60 में पेंटिंग वगैरह जो भी उत्साह, जब मैं आया था तो आप लोगों ने एक मांग रखी थी मेरे सामने कि डिप्टी सीएम साहब को लेकर जरूर आइए, तो आप लोगों के अनुरोध पर ही आज यहाँ पर आए, आज काफी व्यस्त है फिर भी